तो आज की हमारी इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के कोड कंसेप्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेंज सिलेक्शन। और किरण जी, सुहाग जी, मैंने आपको रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दी है, आप लोग रिकॉर्ड कर लें। तो जैसे कि एक बार ओवरव्यू आता हूँ कि विजुअल बेसिक पे अब जाते हैं। विजुअल बेसिक पे जाने के बाद हम यहाँ इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल्स। हम हर प्रोग्रामिंग को मॉड्यूल्स में करते हैं, क्योंकि अगर आपने वर्कबुक में या सीट में किया तो फिर दिक्कत होती है। जैसा कि किरण जी ने एक माइक्रो को उन्होंने वर्कबुक में कर दिया था, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। बाद में मैंने देखा कि तो वर्कबुक में किया हुआ है। तो यार, वर्कबुक या वर्कशीट में कोई प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे। इसके पीछे रीजन ये है कि इस पे इवेंट माइक्रो की प्रोग्रामिंग होती है, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम माइक्रो डिफाइन करते हैं सब्जेक्ट। सबसे स्टार्ट होता है, हम पब्लिक सब भी दे सकते हैं और सब भी दे सकते हैं। माइक्रो का नेम दिया, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करते हैं। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट देते हैं। यहां पे देखिए, कोड जो भी स्टार्ट होता है वो चार होता है। सबसे पहला होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब कि एप्लीकेशन की सेटिंग वगैरह चेंज करना चाहते हो तो इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा आता है हमारा वर्क बुक्स, वर्क बुक्स। तीसरा होता है हमारा शीट्स, और चौथा हमारा होता है रेंज। तो ये चार मेन ऑब्जेक्ट होते हैं, राइट सुहाग जी। अब इसमें सबसे मेन ऑब्जेक्ट होता है रेंज, जो कि आज हम करने वाले हैं। क्यों? अब एक्सेल पे बिना सिलेक्शन का कोई काम कर सकते हैं आप। आपको फॉर्मेटिंग करनी है, डेटा एंट्री करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, पिवट लगाना है, फिल्टर लगाना है, चार्ट लगाना है, शुड बी द सिलेक्ट द डेटा, सिलेक्ट द रेंज। तो यही चीज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर मुझे A1 पे क्लिक करना है तो उसके लिए क्या कोड लिखेंगे। तो यहां पे मैं आपको कोड का कंसेप्ट बता रहा हूं, इसको रन करके आपको नहीं दिखा रहा हूं। तो यहां पे मान लीजिए कि मैं लिखता हूं रेंज। हम रेंज को दो तीन तरीके से हैंडल करते हैं। सबसे पहला लिखते हैं रेंज, इसमें हम A1 V1 C1 इनवर्टेड कॉमा में डाल देते हैं और कर देते हैं सिलेक्ट या एक्टिवेट, जो करना कर सकते हो। एक्टिवेट सिर्फ सिंगल सेल होता है, सिलेक्ट आपका पूरी पूरी एंटायर सीट हो सकती है। उसके बाद इसमें आता है, इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, सेल्स 1.1 डॉट सेलेक्ट, राइट। ये जो हुआ, ये आपका R1 C1 रेफरेंस स्टाइल हुआ। जब आपके पास रो एंड कॉलम A1 B1 C1 के फॉर्मेट में ना हो, 1-2-3 के फॉर्मेट में हो, उस केस में हम सेल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो 1.1 मतलब कि क्या हुआ कि पहला नंबर रो एंड पहला नंबर कॉलम। अगर मान लीजिए मुझे अगर C4 मान लीजिए C4 को सिलेक्ट करना है, तो मैं यहां पे रो नंबर 4 को सिलेक्ट करूंगा और यहां पे 3 को सिलेक्ट करूंगा। आप कुछ बोल रहे थे सर? स्वाति कुछ पूछ रहे थे क्या? ठीक, ओके। तो इस तरह से यूज करते हैं। इसके बाद अगर ये दो होंगे, दो कोड यूज के चलता है। एक तीसरा भी होता है सिलेक्शन, और एक चौथा होता है आपका एक्टिव सीट, राइट। एक्टिव सेल होता है, हम आपकी जगह सीट निकल गया, एक्टिव सेल। तो सिलेक्शन मतलब कि अगर सिलेक्शन क्या कहलाएगा कि माइक्रो रन होने से पहले या उस कोडिंग तक पहुंचने से पहले जो एरिया सिलेक्ट है, दैट कॉल सिलेक्शन, समझे। और एक्टिव सेल मतलब क्या हुआ, जो एक्टिवेट हो, ये व्हाइट दिख रहा है ना, एक्टिवेट है D3 में, कहां जहां पे कर्सर जहां हम टाइप करना शुरू कर देंगे, दैट कॉल एक्टिव सेल। तो ये चार फॉर्मेट आपका सिलेक्ट करने का। अब बात करते हैं क्या, हाँ, एक एक रेंज को सिलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। एक पर्टिकुलर एड्रेस A1 C1 में है तो हम इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले वाले कोड का। अगर मेरे पास रो एंड कॉलम नंबर फॉर्मेट में है तो सेल्स का। अगर एक सिलेक्ट, हमें नहीं लेना देना है कि भाई A1 B1 से क्या है, पता है बस सिलेक्टेड एरिया
दैट को हमें कुछ करना है, तो सिलेक्शन, मुझे सिलेक्टेड एरिया नहीं चाहिए, जहां पे कर्सर एक्टिवेट है उसको चाहिए। ठीक है, दैट कॉल एक्टिव सेट। अब चलिए हम बात करते हैं सिलेक्शन की। तो एक छोटा सा डेटा यहां पे हम ले लेते हैं, उस डेटा को कैसे सिलेक्ट करेंगे चलिए हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो हमने डेटा लिया हुआ है यहां पे A1 से लेके यहां पे A से लेके L16 तक। तो मुझे अगर पूरा डेटा सिलेक्ट करना है तो इसके दो तरीके हैं। पहला है कि मैं लिखूंगा रेंज A1 से लेके L16। रंजी सुन रहे हैं ना आप? तो एक पूरा डेटा को सिलेक्ट करेंगे A1 से लेके L16.select। क्लियर है? लेकिन इसको एक दूसरा तरीके से भी लिखा जाता है, क्योंकि VBA कंसेप्ट है, ऊपर वाला जो देखा आपने वो एक्चुअल कंसेप्ट है। VBA कंसेप्ट ये है कि स्टार्टिंग से एंडिंग पोजीशन सिलेक्ट, मतलब कि ये क्या करेगा कि ऊपर पे क्लिक करेगा और शिफ्ट के साथ नीचे इस पे क्लिक कर देगा, तो दोनों को सिलेक्ट कर लेगा। तो ये हमारा VBA कंसेप्ट है, हमें ऑटोमेटिक और डायनेमिक सिलेक्शन के लिए इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल हम करते हैं। अब तीसरा आता है कि मुझे मल्टीपल सेल सिलेक्ट करना है, मुझे क्लिक, हम लोग कहते हैं कंट्रोल सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करना है, मतलब A1, D1, G1, K1। तो उसके लिए हम लिखेंगे यहां पे रेंज, यहां पे A1 कॉमा D1, सॉरी इनवर्टेड कॉमा नहीं रहेगा, D1 कॉमा G1 कॉमा L1 डॉट सेलेक्ट। तो ध्यान रखिएगा कि यहां जो हम डालते हैं इनवर्टेड कॉमा में स्टार्टिंग से एंडिंग डालते हैं, ये आपका कॉलन लगा के, राइट, लेकिन उसी में हम कॉमा लगा देंगे तो मल्टीपल सेल सिलेक्शन होगा। अगर मल्टीपल सेल सिलेक्ट कर रहे हैं, दीक्षित ध्यान रखिएगा कि आप अगर आपने अगर इसको सिलेक्ट कर लिया और कॉपी करके इसको सिलेक्ट कर लिया तो यू कैन कॉपी, इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है सर। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने इसको सिलेक्ट कर लिया और इसमें आपने दो इतना ही सिलेक्ट किया है, आप कॉपी नहीं कर सकते, सिक्वेंस सेम होना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे डी को सिलेक्ट, ए को सिलेक्ट किया, डी को सिलेक्ट किया, जी को सिलेक्ट किया और के को सिलेक्ट किया, और नीचे भी हम ए को सिलेक्ट करेंगे, जी को सिलेक्ट करेंगे, सी को सिलेक्ट करेंगे और इसको लेंगे, तो दोनों अगर सीक्वेंस में है तो यू कैन कॉपी। लेकिन अगर आपने एक कम या एक ज्यादा सिलेक्ट कर लिया, आप कॉपी नहीं कर सकते। तो जब मल्टीपल सेल सिलेक्शन करते हैं तो इसकी इसका अच्छी तरीके से आप ख्याल रखेंगे। ओके, अब बात करते हैं कि मुझे एंटायर डेटा सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए लिखेंगे रेंज A1.currentRegion.select। ये क्या करेगा, एंटायर रेंज को कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करेगा, मतलब कि ये जाएगा फाइंड एंड सिलेक्ट के गो टू स्पेशल में और यहां से करेंट रीजन को सिलेक्ट करके ओके करेगा। क्लियर है? हाँ, करेंट, लेकिन अगर इसमें कोई ब्लैंक सेल हुआ, जैसे ब्लैंक कॉलन हो गया ना आपका सर, तो अब ये डेटा सिर्फ इतना ही सिलेक्ट करेगा, इसको सिलेक्ट नहीं करेगा। दूसरा, उसी तरह से अगर रो ब्लैंक है आपका, तो फिर आपका सिर्फ ऊपर का सिलेक्ट करेगा, नीचे का सिलेक्ट नहीं करेगा। लेकिन पूरे की तरफ ब्लैंक हो तो रो एंड कॉलम, अगर मान लीजिए किसी में इसका डेटा है तो कोई बात नहीं, ये सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इसका आप जरूरी नहीं करना A1 करूं, मैं A10 भी कर सकता हूं, मतलब कि इस एरिए का कोई भी एक रेंज लेके आप उसको करेंट रीजन कर सकते हैं। हाँ, तो उसके लिए आपको 1x1 सिलेक्शन करके 1x1 डेटा कॉपी करना पड़ेगा, एक साथ कॉपी नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक एक करके कॉपी करना पड़ेगा।
या फिर उसको लूप में लगाना पड़ेगा, वो आगे हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये हमने हुआ। दूसरा होता है कि मुझे एंटायर सीट सेलेक्ट करनी है, ये इस तरह से। तो इसके लिए आप यहां पर लिख सकते हैं सेल्स डॉट सेलेक्ट। अगर आपको आपके एंटायर सीट को कॉपी करना है और कॉपी करके कहीं पेस्ट करना है, समझे, तो उसके लिए आप डायरेक्ट सीट को ही कॉपी कर लीजिए, जैसे सीट वन डॉट मूव एन कॉपी जो करना चाहते हो कर सकते हो, डायरेक्ट पूरा सीट कॉपी, ये ठीक रहता है। अब ये ठीक क्यों रहता है, अब आते हैं इस पे। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक डेटा यहां है, राइट, तो मैंने पूरा कॉलन को सिलेक्ट किया। अब पूरा कॉलन है, पूरा रो को सिलेक्ट कैसे करेंगे, यहां देख लीजिए, मुझे पूरी कॉलम सिलेक्ट करनी है, तो ए से लेके ए ये पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है, और पूरा रो सिलेक्ट करना है, तो यहां पे आप वन से लेके वन इस तरह से लिख सकते हैं, और यहां पे डॉट सिलेक्ट करना है। अब मुझे ए में कई सारे कॉलम सिलेक्ट करने हैं, तो यहां पे एल दे दीजिए आप, यहां भी सेम करेगा, वन से लेके लेके एल तक ये इस तरह सेलेक्ट करेगा। लेकिन मुझे ए कॉलम को हमें सेलेक्ट करना है, एफ कॉलम को, जी कॉलम को, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस मेथड जो हमने ये मेथड बताया था, इसी मेथड का इस्तेमाल होगा, और यहां पे ए वन से नहीं होगा, यहां पे ए से लेके ए होगा। तो यहां पे कोई जरूरी नहीं है कि आप सिंगल सेलेक्ट ही कर, सिंगल सेल ही सिलेक्ट करें, पूरी कॉलम या एक कॉलम से ज्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे जी वन से लेके जी टेन चाहिए, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना, इसका इस्तेमाल आप सिलेक्शन में कर सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप कॉपी करते हो, इसमें कॉपी किया, तो एक कॉपी एक क्योंकि पूरा कॉलम सिलेक्ट किया है, तो पेस्ट भी पूरा कॉलम पे ही होगा, आप यहां पेस्ट नहीं कर सकते, ये चीज को ध्यान रखिए। क्यों, क्योंकि हमने कॉपी किया है 1,000,000 रो, तो 1,000,000 रो ही पेस्ट के लिए चाहिए ना। अगर मैं यहां पे पेस्ट करूंगा तो इतना रो कम जाएगा ना सर इसके टोटल रो में से, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। ये गलती किरण जी ने किया था, इसलिए मैंने इसको रिपीट कर दिया, देखा बता दिया कि आप ना करें। किरण जी डोंट माइंड, ये मत समझिए कि मैं आपकी गलती समझा रहा हूँ, आपकी गलती बता रहा हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आप मैंने कि आप जो गलती होती है वो बहुत सारे लोग कर सकते हैं, इसलिए मैंने बोला ठीक है, इसके क्लास का टॉपिक मैंने बना दिया कि आगे चल के कोई जो भी सीखेंगे इस तरह की गलती ना करेंगे, क्योंकि आपकी मिस्टेक ही मेरा नया टॉपिक होता है। ओके, तो यहाँ पे हम रेंज को सेलेक्ट कर लिया, एक पर्टिकुलर रेंज को सेलेक्ट करना आपको आ गया। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, अगर मैंने सेलेक्ट किया, मान लीजिए sales.select मैंने किया, राइट, तो ये sales.select कहाँ हो रहा है, या फिर रेंज A1 से G1 सेलेक्ट किया तो कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है आपकी एक्टिव सीट पे, जो सीट एक्टिवेटेड है उस पे हो रही है। मतलब कि इस माइक्रो को रन करने के लिए वापस सीट वन पे आपके फिर माइक्रो रन करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं ये तो मैक्रो रन नहीं होगा, एक अलग मैक्रो बनाता हूं जो रन होगा, जैसे कि मैंने यहां पे लिख दिया सेल्स डॉट सिलेक्ट। तो अब क्या होगा कि अगर मैं यहां इसमें मैक्रो रन करता हूं, मैक्रो में जाके, या तो इस सीट को सिलेक्ट करना है, लेकिन मुझे करना है डेटा सीट को सिलेक्ट, तो इसके लिए मुझे डेटा सीट पे जाके सेल्स डॉट सिलेक्ट करना होगा। Okay. तो हाँ बोलिए, तो आपको को यहां पे कोड लिखना पड़ेगा कि सीट वन डॉट सेलेक्ट, तब क्या करेगा कि वो अगर मैं सीट टू में हूं तो सीट वन में जाएगा और फिर उसको सिलेक्ट, नहीं नहीं डिबग, यहाँ पे सीट का नाम,
सी मेरी स्पेलिंग मिस्टेक है इसलिए डिबग आया है सर। ठीक है, तो यहां पे देखिए, लेकिन आप जो है ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये इस तरह एक कोड और होता है, इस तरह के कोड आप शायद इसमें नहीं लिख सकते सिलेक्ट में। मैं इसको एक बार डेट कर देता हूं, ये डेट हो गया। एक कोड आप लिखेंगे तो ये आपको नहीं, कोड अपडेट कर देगा, 2007 में तो नहीं होता था। हाँ हो गया ना, समझे? मतलब कि आप किसी और सीट से किसी और सीट पे डायरेक्ट कोड नहीं लिख सकते। यहाँ ये चीज ध्यान रखिएगा कि मैं इसको रन करूंगा तो डिबग एरर आएगा, लेकिन यही मैं अगर इस पे सीट वन एक्टिव कर दूं और फिर इसमें इस माइक्रो को वापस कंटिन्यू करता हूँ, एक मिनट में इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे ये माइक्रो कोड हमारा रन हो गया ना। क्यों? क्योंकि सीट वन एक्टिवेट है, मतलब कि ये सिलेक्ट तो कर सकता है बट एक्टिवेट नहीं कर सकता। तो जितना भी सिलेक्ट हो गया, एक्टिव हो गया, ये चीजें आप जो है सीट को बिना सीट पे जाए नहीं कर सकते, बट आप किसी सीट को कॉपी करना चाहते हैं तो आपको उस सीट पे जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पाथ लिख सकते हैं। कॉपी हो गया, समझे? तो कॉपी कर सकते हैं डायरेक्ट, तो सेम उसी तरह से सेम अनदर सीट हुआ तो अनदर वर्कबुक, जैसे मान लीजिए कि हमें सीट वन का सेल सिलेक्ट करना है तो यहां पे लिखेंगे, यहां पे कि सीट वन डॉट सिलेक्ट। उसी तरह से मुझे किसी फाइल से बुक टू के सीट वन को सिलेक्ट करना है तो मुझे यहां लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहां पे कि वर्क बुक्स और इसमें हम देंगे अपना बुक टू डॉट xlsx जो भी एक्सटेंशन है आपका, और यहां पे डॉट सेलेक्ट एक्टिवेट होगा, आपकी जगह सेलेक्ट नहीं होगा। लेकिन आपको डायरेक्ट कॉपी करना है तो आप इसको डायरेक्ट कोड यहां से लिख सकते हैं। दोबारा सुनिए, क्या है कि सिलेक्ट हुआ, एक्टिवेट हुआ, वो सिर्फ पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा, मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करेगा, तो आपको वन बाय वन ही जाना पड़ेगा। ये दिखा ना, आप यहां है ना, लिखा हुआ ना, देखिए ये आपको यहां पे आपने किया, ये आपने पहले फाइल को एक्टिवेट किया, फिर आपने सीट एक्टिवेट किया, उसके बाद रेंज, अब बोलते कि नहीं कुछ पर्टिकुलर रेंज चाहिए, पूरा सीट नहीं चाहिए, तो आप वो पर्टिकुलर रेंज का कोड दे दीजिए। ठीक है, पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट, लेकिन वन बाय वन है, तीन लाइन आपको लिखना पड़ेगा। कॉपी करना चाहते हैं, कोई वैल्यू टाइप करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, बशर्ते वो फाइल ओपन होना चाहिए। अगर ये फाइल ओपन नहीं है सो आपको यहां पे फाइल ओपन करने का कोड डालना पड़ेगा। तो ओपन करने का कोड क्या है? वर्क बुक्स डॉट ओपन और यहां पे पाथ स्लैश फाइल नेम डॉट एक्सलेस और एक्सटेंशन, वो भी इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, ठीक है, सुहास जी समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरह से करेंगे। विदाउट इसमें अब इसमें आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। हमने सिलेक्शन की मेथड समझा, लेकिन अभी जो सिलेक्ट समझा वो नॉर्मल किसी पर्टिकुलर सिलेक्शन का मेथड समझा है। अब हम बात करते हैं डायनेमिक सिलेक्शन की बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे इस
कर्सर को मूव करना, मैं उसको मूव करना है सबसे लास्ट में, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस कर देते हैं। तो यहां पे आप क्या करेंगे, यहां कोड लिखेंगे रेंज, जहां से कर्सर आपका स्टार्ट है उसका एड्रेस, या एक्टिव सेल से करना है तो एक्टिव सेल डॉट एंड एक्सेलेस टू लेफ्ट टू राइट टू अप, जहां करना चाहते हो वहां कर सकते हो। एक्सेल मान लीजिए मुझे लेफ्ट में जाना है तो एक्सेल टू लेफ्ट टू राइट डॉट सिलेक्ट, एक्सेल टू एंड डॉट सिलेक्ट, राइट। A1 से सबसे लास्ट में आना है, यहां से सबसे नीचे यहां पे आना है, तो हम क्या कोड लिखेंगे, अब लिखेंगे यहां पे कि रेंज A1 से डॉट एंड डॉट एन एक्सल टू डाउन होगा, आप माफ कीजिएगा डाउन डॉट सेलेक्ट। लेकिन यहां दिक्कत है कि अगर बीच में ब्लैंक सेल हुआ तो फिर वो उसके ऊपर ही रुक जाएगा, तो ब्लैंक सेल के ऊपर ना रुके तो क्या करें, तो इसमें हम एक मेथड अपनाते हैं। तो मेरा मेथड है कि मैं ए 65,000 डॉट एंड और यहां पे हम एक्सेलेस अप कर देते हैं ओके क्लियर है। तो इससे क्या होगा कि ये जाएगा सबसे पहले ए 65,000 नीचे और नीचे से फिर ऊपर आएगा, तो इसके ऊपर क्या ब्लैंक है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये बता दिया थे आपको यहां पे ऑफसेट कमांड जानने की जरूरत है, क्योंकि वो ऊपर से आप नीचे आ सकते हैं या फिर नीचे से ऊपर जा सकते हैं, तो आपको रहेंगे लास्ट रो में ही ना। अब हमें मान लीजिए कोई डेटा एंट्री करनी है तो हम इस पे तो नहीं करेंगे, इस पे करेंगे तो पिछला डेटा तो हमारा क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। मुझे नेक्स्ट ब्लैंक रो चाहिए, नेक्स्ट ब्लैंक रो, ताकि हम एक के नीचे डेटा एंट्री कर सके इन फ्यूचर में। तो हमारे पास जो कोड होता है, जैसे कि इसी कोड अगर एक कोड यूज कर रहे हो तो सेलेक्ट के जगह पे आप यहां पे लगा सकते हो डॉट ऑफसेट, ऑफसेट 1,0 डॉट सेलेक्ट, या जो वैल्यू डालना चाहते हो वैल्यू डाल। तो अब यह एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम यहां पे एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट नहीं करेंगे। अब एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट करोगे तो क्या होगा कि आपका जो कर्सर एक्टिव है उसी के नीचे ऊपर आगे पीछे करेगा, तो हमें चाहिए नेक्स्ट ब्लैंक रो, तो लास्ट वाले ऑप्शन में ऑफसेट यूज करते हैं। तो ऑफसेट 1,0 मतलब कि ये आपका रो हो जाता है, ये आपका कॉलन हो जाता है और ये जीरो से स्टार्ट होता है। हमने 1 किया, क्या बोला, कॉलम 0 मतलब सेम कॉलम का, कॉलम का सीरियल नंबर, मतलब कि ये सेल्स की तरह वर्क नहीं करता, सेल्स समझे ना, बताया आपको मैंने, इसकी तरह वर्क नहीं करता है। ये इसमें काउंट देना होता है, काउंट शुरू करता है, हमने कर दिया 1,0 तो इसने क्या किया कि वो यहां से 1 रो नीचे आया, और 0 मतलब कि इसको कहीं कॉलम को कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने इसमें मान लीजिए 2 कर दिया तो ये क्या करेगा, ये 2 कॉलम से 0, 1, 2 तीसरे कॉलम पे जाएगा। और उसी तरह से अगर मान लीजिए कि मैंने अगर रो माइनस कर दिए या कॉलम माइनस कर दिए तो वो जहां से वहां से पीछे जाएगा, जब वो -1 कर दिया तो जो कर्सर था यहां, यहां से एक रो ऊपर जाएगा, ऐसे कॉलम माइनस कर दूंगा तो एक कॉलम पीछे आएगा, तो प्लस में आएगा तो आगे की तरफ चलेगा और माइनस में रहेगा तो पीछे की तरफ, और रो में अगर प्लस हुआ तो नीचे की तरफ और माइनस हुआ तो ऊपर की तरफ, इसका यूज करते हैं। क्लियर डाउट। अब अगला कंसेप्ट एक आता है कि मुझे सिलेक्ट तो करना है,
लेकिन मुझे यहां से कंटिन्यूअस सेलेक्ट करते हुए आना है, समझे। अब यहां पे हम इस मेथड का यूज करेंगे जो हमने आपको बताया था, ए वाली मेथड स्टार्टिंग और एंडिंग। तो हमने यहां पे डाला कि रेंज ए वन इज द स्टार्टिंग पोजीशन, समझे, और फिर हमने डाला कि रेंज ए 65,000 डॉट एंड डॉट एक्सेलेस अप डॉट सेलेक्ट। तो इसने दो कोड को मर्ज किया, हमने इस कोड को और इस कोड को आपस में मर्ज कर बता दिया कि भाई स्टार्टिंग वन ए वन है और एंडिंग आप ढूंढ लो इसकी मदद से, समझे। तो ये आपका पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। हाँ बोलिए। हाँ नहीं 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 नहीं, उसे ब्रैकेट में देना होता है, गो टू चलता है। आपने रिकॉर्ड कितना नहीं देखा आपने, एक मिनट मैं कंट्रोल जी विजुअल सेल्स यहाँ पे हमने कर दिया। हाँ तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ जो कोड आपने दिया, एक कोड ये दिख रहा है आपको सिलेक्शन स्पेशल सेल टाइप, तो ये चीजें आप किसी भी रेंज ऑब्जेक्ट पे दे सकते हैं, आप इस पे भी दे सकते हैं, आप इस पे भी दे सकते हैं, आप किसी भी रेंज पे दे सकते हैं, ठीक है। इस डॉट पे हाँ ये लगा सकते हैं, चलेगा, ठीक है। यहां पे बात आती है कि मैं यहां से कंट्रोल से राइट एंड डाउन जाना चाहता हूं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे रेंज ए वन से रेंज ए वन डॉट एंड एक्सेल टू लेफ्ट होगा ना, लेफ्ट होगा, फिर इस पे वापस लिखेंगे स्टार्टिंग पोजीशन सिलेक्शन कॉमा सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल में डाउन होगा, माफ कीजिएगा डाउन, तो दोनों लाइन इकट्ठा लिखना पड़ेगा, क्लियर है। ये हमारी रेंज की सिलेक्शन होगी, राइट। तो कल इसको प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरीके से, मैं कोड आपको भेज देता हूं, आप अच्छे तरह से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि रेंज के ऊपर, किसी पर्टिकुलर रेंज के ऊपर हम वैल्यू को कैसे लिखेंगे, ये हम कल डिस्कस करेंगे। हाँ बोलिए। हाँ मुझे आप मेल कर दीजिए क्वेश्चन को भी, उस क्वेश्चन को भी होल्ड कर दीजिए, मुझे वैसे मेल क्वेश्चन नंबर मेल कर दीजिए, मैं वो देख लूंगा, उसके लिए अलग एग्जांपल सेट कर दूंगा। अभी जो मैंने आपको दिया है उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा। और सुहाग जी मेरा आपकी ईमेल आईडी क्या है, ओके, और किरण अग्रवाल, मैं आप लोगों को मेल कर दिया।